今天是，哎呦，哎呦，刚刚。 पिक्चर देखना है तो पप्पा जिसको हम बोलते हैं दारा सिंह जी उनको देख के ऐसा लगता था कि बस जितना तो मेरा तो हो नहीं पाया है लेकिन सही बात ये है वो तो हो रही है कि ठीक है शायद इसके बन जाओ और वो बात है और बहुत सारे सीरीज है रामानंद सागर के जो हनुमान जी बने थे ये बहुत सारे पोस्टर आ गए तो मुझे बढ़िया लगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा पेंटिंग जो है पेंटिंग विद रॉक छी रॉक या मरीन रॉक जैसे बोलते हैं हम इस पेंटिंग का मैंने जो काम स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में था कि पत्थर होता है कि पत्थर को भी उसको बोलते हैं ना कि शेप देना या उसको नहीं मार्क पड़ता है उसको परिणाम होता है हवा पानी या हमारा जो उसका बहुत सारा असर होता है और वो असर होने की वजह से वो जो उसका जो निकलता मिट्टी निकलती है उसका कलर उसको दिखाने का मैं प्रयास किया हूँ आज से मेरा शो स्टार्ट है 27 तारीख से ये 3 तारीख तक रहेगा दिसंबर 2008 तो बस अच्छा सबसे बड़ा है कि नंदू सर आ गए और इसमें सबसे सहयोग ज़्यादा है नंदिनी मैडम सर आपने कभी ट्राई किया है पेंटिंग बनाए कोई ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे हम लोग के सर थे जिग्नेश भाई जमुना भाई स्कूल में वो हम लोग बहुत अलग अलग चीज़ों की पेंटिंग करा रहे थे लेकिन मैं कभी पेंटर बन नहीं पाया तो मैंने इनको बताया कि मेरी पेंटिंग को बहुत शौक है बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाती है तो लेकिन पेंटर तो नहीं बनेगी आई थिंक जिग्नेश
को जिम्नास्टिक्स का ज़्यादा शौक है, लेकिन जब वो पेंटिंग बनाते तो ऐसा लगता वाह आर्ट है, ये रेयर एक आर्ट है और जिसमें है उसमें है, हमें नहीं था नहीं था। सर थोड़ा सा एक अलग सवाल जानना चाहूँगा, बिग बॉस 12 चल रहा है, आप बिग बॉस के बहुत बड़े फॉलोअर्स भी रहे, बिग बॉस में भी रहे, क्या कहेंगे सर इस साल का बिग बॉस? थोड़ा सा इस साल का बिग बॉस सबसे लाउजी बिग बॉस है द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस मुझे लगा इस बार था, तो इसलिए मैं इस बार देख नहीं पाया और शायद मैं बिजी था इसलिए नहीं देख पाया, तो अब मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा। सब लोग मुझे पूछते ट्वीट करो ये करो, लेकिन मैं जब देख ही नहीं पा रहा तो क्या करूँ। मैं कल भी दुबई जा रहा हूँ, हमारा शो है गोलमाल, बहुत भगदौड़ 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 जुटी डायरेक्ट कॉमिक लॉन्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चलते ही जा रहा है, यहाँ आ गए। तो इस बार बिग बॉस फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैं नहीं देख पाया, तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया। सर श्रीशांत भी है और उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग करियर के बारे में बहुत सारी बातें बोलना शुरू कर दिया है कि मेरे साथ ये हुआ था, तो उस बारे में कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं, वो देखो आपको समझना पड़ेगा कि यानी उनके साथ जब टाइम ख़राब था तो उनके साथ जो हुआ है वो हम लोगों को भी दुख है कि हमारे साथ भी हुआ है, मैं तो पता ही कि बहुत रॉन्ग हुआ था जो भी हुआ, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है, तो उसको हम तो भूल के अगले दिन ही भूल जाते हैं, सब कुछ कैश करें और आई होप कि उसकी भी लाइफ बेटर हो जाए। पर एक क्रिकेटर की जो लाइफ है वो थोड़े सालों की होती है, अब उसकी उसको एक्टर ही बनना पड़ेगा, यू मस्ट स्टार्ट एक्टिंग इन व्हाट मलयालम मूवीज, मलयालम है ना, शाबाश केरला। Particular theme you're exploring? I would be continuing with the ocean, like abstracts in the ocean. Okay, thank you so much. एक पेंटिंग में एक और ऐसे करते करते बहुत सारे उसमें पिक्चर होता है, बहुत सारे उसमें प्रोसेस है, एक पेंटिंग एक बार होती नहीं है, उसको पहला लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर करना होता है। ऐसे ही पेंटिंग बनी है, ये पेंटिंग मेरी शो अभी आज से स्टार्ट है 27 नवंबर 2018, आगे 3 दिसंबर 2018 तक चली जहांगीरहाड़गिर। About today's exhibition, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा शो देखने को मिला, कॉम्पोजिशन कलर कॉम्बिनेशन एंड इज वेरी नाइस, बहुत आगे तक जाएंगे।
मैम आप किस तरह की पेंटिंग्स में रुचि रखती है, किस तरह की थीम में रुचि रखती है? बेसिकली मैं पर्सनली सब तरह के कर लेती हूँ, फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट सेमी एब्स्ट्रैक्ट सभी तरह की पेंटिंग्स कर लेती हूँ, पर्सनली ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा मुझे रुचि है। का जो थीम था थोड़ा सा अलग है, ब्राइट कलर्स है पेंटिंग में, क्या कहेंगे मैम इस बारे में थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करें? ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट करते हैं ऑब्वियसली पेंटिंग्स को, सुंदर दिखते हैं। आपका कोई शो अपकमिंग शो है जिसके बारे में आप बताना चाहें? मेरा अपकमिंग शो इजिप्ट में है, जिसमें उसी इजिप्ट की थीम को लेकर ही मैं काम कर रही हूँ, ब्लैक एंड वाइट में। ब्लैक एंड वाइट में जी। Okay.